अगर आप एक बिगिनर हैं या प्रो मेकअप आर्टिस्ट हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप एक वैनिटी बनाने का, जमाने का या लेने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट कम से कम चीज़ों में हम कैसे उसको जमाना है, कैसे अरेंज करना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वैनिटी लेके जाने में, अब शूट पे जाना है आपको और वहाँ पे जो दिक्कत हमें आती है ना, एक तो सारा सामान अरेंज करने के लिए जगह भी बहुत सारी कम मिलती है और एक ही वैनिटी में सारा सामान कैसे आ जाए वो ज़रूरी है। तो हाय, मैं हूँ पूनम गुप्ता, पूनम मेकअप श्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आपको मेरी वैनिटी बता रही हूँ। तो सबसे पहले एक मेरे पास एक वैनिटी बैग लिया है मैंने, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है। ये 2000 के अराउंड मुझे मिला था, प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, बट 1500 से 2000 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद मैंने एक ब्रश का पाउच लिया है और इसके अंदर सारे मैंने ब्रश रखे हुए हैं, जो भी मेरे ब्रश हैं। हालांकि इसमें ब्रश रखने का भी जगह आता है, बट मैंने इसको अलग से रखा हुआ है। वो क्यों रखा है आपको पूरा वीडियो देखने पे पता चल जाएगा कि ये ऐसा मैंने क्यों किया है। तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया और ये मेरे ब्रश का एक पेन होल्डर टाइप या ब्रश होल्डर टाइप एक पूरा अरेंज हो गया। इसके अंदर मेरी ब्यूटी ब्लेंडर आ गई और सारे ब्रशेज आ गए, ठीक है। तो ये मैं साइड कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने एक CTML की एक पूरी रेंज बनाई है, जिसमें शामिल है एक मेकअप वाइप, ये बहुत ज़रूरी है मेकअप के लिए, टोनर हो गया, फिर इसके बाद मेकअप क्लिंजर हो गया, इसके बाद एक सैनिटाइज़र है। आपका मेकअप करने के बाद आपको सैनिटाइज़ ज़रूर करना चाहिए, अपने हाथों को भी सैनिटाइज़ ज़रूर करना है। मेकअप का जो ब्रश है, अगर आपको अब मिनिमल आपने ब्रश रखे हुए हैं और यहाँ पर आपको ब्रश को क्लीन करना है इमीडिएटली, तो ये मेकअप ब्रश क्लींजर जो है ये बहुत काम आता है, तुरंत क्लीन होता है। मैं आपको एक बार चाहिए तो डेमो भी बता दूंगी। इसके बाद मेकअप फिक्सर है, इसकी बॉटल बहुत बड़ी है तो इस तरह से ये इसमें स्टैंडिंग पोजिशन में बहुत अच्छे से आ जाता है। आप इसको और छोटा बना सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत कम्फर्टेबल है, हैंडी है, तो इसके लिए मैंने एक इसमें बना के रखा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं मेन अपनी वैनिटी पे। तो ये वैनिटी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अब मैं इसमें बता देती हूँ, फर्स्ट दो जीप है इसके अंदर, तो फर्स्ट वाला जीप हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना, सबसे पहले मैंने एक ना टॉवेल रखा है और मैं सब जिस तरह से मैं ना शूट पे जाती हूँ और अपने सामान को अरेंज करती हूँ ना, मैं उसी तरह से आपको दिखाते हुए जाऊँगी, ताकि आपको भी एक आइडिया आए कि किस तरह से वैनिटी को जमाना है। तो एक टॉवेल रखती हूँ जो कि माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर आप ज़रूर लें, कोई और नहीं लें, बिकॉज माइक्रोफाइबर के अंदर ना डस्ट को या आई शेडो का जो आपका पिगमेंट्स है उसको कैप्चर करने की पावर बहुत अच्छी होती है, तो आपका ब्रश भी इमीडिएटली क्लीन हो जाता है। तो इसके लिए आप माइक्रो, और ये वॉश भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको माइक्रोफाइबर लेना है। इसके यहाँ पर ठीक इधर कोने में आपको ब्रश अपना स्टैंड करना है, ब्रश होल्डर जो है, इसे आपको ये लेने में बहुत ईजी पड़ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक नैपकिन लेंगे इस तरह से। ये एक नैपकिन आप एक ब्राइडल या साइडल के लिए यूज़ कर सकते हो, कभी भी आँख में कचरा गया या कोई स्किन इशू है, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर एक हैंकी के जैसे या इस तरह से काम आ जाता है। इसके बाद हम लोग एक और मैजिकल प्रोडक्ट पे आते हैं। ये एक तरह का ट्रे है, तो ये इस तरह से इसके बटन को टक करना है और ये एक तरह का ट्रे बन गया, जिसमें आप जो भी कचरा होता है ना, जैसे आपने लेंस यूज़ किया ब्राइडल को और इसका जो ढक्कन है, जो भी आउटर लेयर्स जो है वो रैपर्स है, या टिश्यू आपने यूज़ किया, या ईयरबड यूज़ किया, क्यू टिप यूज़ किया, तो जो भी फेंकने वाली चीज़ें हैं ना, इस ट्रे में साइड में आप अरेंज कर लो इस तरह से, और इसी में ही सारा कचरा डालो और आप फिर बाद में उसको फेंक सकते हो एक साथ। तो इस तरह से मैंने लैशेज रखा हुआ है, यहाँ पर बिंदी बुक रखी है मैंने, जिसमें मैंने हर अलग अलग नंबर के और साइज़ के बिंदी हैं इस तरह से, और कुछ कलर कॉम्बिनेशन उसमें कम थे तो मैंने ये दूसरी एक परचेज़ की थी। तो इस तरह से आप बिंदी की रेंज रख सकते हो। इसके अलावा कुछ डायमंड बिंदी है जो इसमें नहीं है, तो इस तरह से अलग से रखे हुए हैं, और इस तरह से लैशेस और बिंदी का मैंने ये कॉम्बो बनाया हुआ है, जो यहाँ पर मुझे रखने के लिए अच्छा पड़ता है। अब इस पर हम लोग ने क्लोज़ किया। यहाँ पर मैंने सब तरह के लेंसेज रखे हुए हैं, और ये जो पाउच है यहाँ पर, इसमें मैंने एक ग्लू ड्रॉप रखा हुआ है। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, अगर आप मेकअप कर रहे हो, ब्राइडल कर रहे हो ना, तो जैसे मांगटीका चिपकाना है या कोई ड्रेस में या कोई कहीं पे कुछ स्टिक करना है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। फिर शार्पनर जो हो गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग आते हैं इस सेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने ना मेरा सबसे बड़ा आई शेडो पैलेट रखा हुआ है, जो जेम्स चार्ली का है, मॉर्फी वाला पैलेट,
जिसमें बहुत ही कलरफुल रेंज है, तो ये मैंने यहाँ पर अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये हो गया यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं ना, तो ये सबसे पहले कुछ पिंस है जो कि जब हम ब्राइडल करते हैं ना तो उसके बाल जो आगे आ रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर इसको स्टिक कर दो। अब इसके बाद हम लाइन्स आते हैं। ये सेक्शन में मैंने आईब्रो पेंसिल्स रखी हुई हैं सारी, बेनिफिट का है ये इस तरह से, ये शुगर का है जिसके अंदर इस तरह से आईब्रो पेंसिल है, और यहाँ पर इसका स्पूली है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम आएँ तो ये सारी काजल की रेंज है, ग्रीन काजल, ब्लू काजल, फिर उसके बाद ब्लैक काजल, और अपना ये एक फेसेस कैनेडा का लाइनर है, पेन लाइनर टाइप। तो ये इस तरह से मेरे सारे काजल और सब इसकी रेंज है। अब हम लोग आते हैं, लिप पेंसिल है ये सारे, ये मैक की है, ये नाइका की है, और इस तरह से ये लिप्स के सेक्शन है। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये है आईब्रो रेज़र। ये बिल्कुल ज़रूर बिना भूले अपने वैनिटी में ज़रूर रखें, ये बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है ना, ब्राइडल ने आईब्रो ठीक से नहीं बनवाई होती है, या जहाँ से उन्होंने बनाया शेप अच्छे नहीं होते, और मेरे केस में तो ऐसा है, अगर ब्राइडल की आईब्रो अच्छी नहीं है ना तो मुझे बहुत ही डिसकम्फर्ट होता है। तो मैं जब तक उसका आईब्रो सेट नहीं कर लूँ ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो मैं ये ज़रूर रखती हूँ। और कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है ना, आईब्रो के साइड के चिन के साइड में या साइड लॉक्स के बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी निकालने के काम में आते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने सारे मस्कारा की रेंज रखी हुई है, और ये मेरा एक आईब्रो पैलेट है जो कभी कभी पेंसिल से नहीं तो इस तरह से इसे सेट करने के लिए भी अच्छा पड़ता है। और ये मेरे सारे लाइनर्स हैं, ब्राउन लाइनर, फिर उसके बाद ब्लैक लाइनर और अपना ग्रीन लाइनर, इस तरह की ये सारी रेंज है। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ, सारी चीज़ें क्या आँखों के सामने दिखनी ज़रूरी है। तो ये आईज़ और लिप्स की रेंज है। अब हम लोग आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मेरे ना जब CTML हम कर लेते हैं, CTML वाला मैंने आपको किट दिखाया था यहाँ पर, कि कैसे मैं अपना CTML का बैग जमाया है, जिसमें मैं क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, मेरे जो CTML के सारे प्रोडक्ट्स हैं, और जो भी स्टैंडिंग पोजीशन वाले सामान है जो इसके अंदर नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा जगह लेंगे, तो वो मैंने इसमें रखे हुए हैं, तो ये अच्छा पड़ता है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ, एक मैंने लिप ग्लॉस रखा हुआ है, जो आप मेकअप शुरू करने के पहले सबसे पहले लगा के रख दो, ताकि उसकी लिप भी अच्छे से प्लम्प हो जाए। फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पर टू फेस का लिप इंजेक्शन है, ये भी क्लाइंट के लिप्स को पाउटी करने के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद मेरे पास कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स हैं जो छोटे छोटे हैं ना, तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं सैम्पल प्रोडक्ट्स। आप कहीं पे भी कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस कर रहे हो ना फाउंडेशन की रेंज, तो सैम्पल लेना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत काम की चीज़ होते हैं, बहुत हैंडी होते हैं और अच्छे खासे चलते भी हैं। तो ये मैक का मुझे स्ट्रोक क्रीम मिला था फाउंडेशन की रेंज खरीदने पे, और ये स्मैश बॉक्स के मैंने कुछ आई शेडो पैलेट्स खरीदे थे और कुछ सामान खरीदे, तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ सैम्पल फ्री आए थे, तो ये सैम्पल भी मुझे एज ए प्राइमर ना इधर काफ़ी कुछ काम में आ जाता है। ये भी मैंने मैक में सैम्पल लिए थे, तो सैम्पल लेना ना भूले, क्योंकि आपका बहुत छोटे पैकेजिंग में ना काफ़ी कुछ सामान इधर आ जाता है। तो ये एक रेंज हो गई, तो ये CTML हो गया, या स्टार्टिंग की रेंज के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं कलर करेक्टिंग, जो कि हमारे मेकअप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर मेरे मेकअप स्टूडियो के ना कलर करेक्टिंग के पैलेट्स हैं कुछ, और ये भी बहुत अच्छा है, इतना हैंडी है ना कि यहाँ पर एक इतनी सी जगह में काफ़ी कुछ सामान आ गया है, ये देखिए। तो ये मेकअप स्टूडियो के मैंने सारे प्रोडक्ट लिए हुए हैं, जिसमें स्मोकी आइज़ करना है तो आपको मल्टी कलर के काजल्स हो गए, इस तरह का पूरा सामान है ये देखिए। तो ये स्मोकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद ये कैमोफ्लाज के लिए बहुत अच्छा है, ये फाउंडेशन के लिए या आप हाइलाइटिंग और कॉन्टूरिंग करते हैं ना, ये पैलेट बहुत अच्छा है। तो अगर फिर ये ब्लशर है, जब आप पूरा फाउंडेशन और कलर करेक्टिंग और कॉन्टूरिंग और हाइलाइटिंग कर लेते हैं ना, तो इसके बाद ब्लशर, लिक्विड ब्लशर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया मेरा सारा। इसके बाद मेरे पास पाउडर ब्लशर है, यहीं पे ये पैकेजिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मेरे पास एक मैजिकल पैलेट है, बहुत लोग मेकअप आर्टिस्ट लोग स्टील की पैलेट यूज़ करते हैं, मैं ये ट्रांसपेरेंट यूज़ करती हूँ। कुछ आई शेडो पैलेट है जो ये मस्ट हैव है, मतलब ये मुझे हमेशा चाहिए ही चाहिए, ये मैंने हमेशा रखे हैं। कभी समझ लीजिए मैंने आई शेडो का पूरा बैग भूल गई, ये मेरा आई शेडो का बैग है, तो ये दो भी पड़े हैं तो मेरा काफ़ी कुछ काम हो जाता है। तो इसमें एक मेरा है
हुडा ब्यूटी का रोज क्वार्ट्ज़ पैलेट है, ये बहुत अच्छा है, इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। और एक मेरे पास यूरो गर्ल का ग्लिटर है जो कि काफ़ी अच्छे इसके पिगमेंट्स हैं, तो ये भी बहुत एज ए बिगिनर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए ना कि आप ग्लिटर वगैरह ना जितना हो सके ना इस तरह के ग्लिटर्स यूज़ करो, इसमें आपका ना मिस्टेक्स कम से कम होते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आई शेडो पैलेट्स। कुछ मैंने छोटू छोटू एकदम आई शेडो पैलेट्स लिए हुए हैं जिसके पिगमेंट्स ये फेसेस कनाडा के हैं, और ये आप देख सकते हैं इसका गोल्ड पिगमेंट देखिए कितना मैजिकल है। पार्टी कॉकटेल लुक कुछ बनाना है बहुत मस्त है, पेस्टल लुक कुछ क्रिएट करना है बहुत अच्छा है। तो ये कुछ अलग अलग छोटे छोटे पैलेट्स हैं जो बहुत कम जगह लेते हैं और बहुत अच्छा काम करके जाते हैं। इसके बाद एक फॉरेवर का भी पैलेट है मेरे पास जो कलर करेक्टिंग हो गया। अभी ये सब ध्यान रखिए जब आप ये सब काम कर लेते हो ना, सैनिटाइज़र नहीं मारना, मतलब मारना नहीं भूलें, सैनिटाइज़र ज़रूर मारना है, तो ये सब क्लीन हो जाता है काफ़ी कुछ। फिर इसके बाद ब्लशर का जो पैलेट था उसी तरह से मेरे पास के ब्यूटी का ब्लशर ये है, क्रीम ब्लशर है। और इसके बाद ये बेनिफिट का भी है, अगर किसी को बहुत नेचुरल लुक चाहिए तो ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर इसके बाद मेरे पास हुडा ब्यूटी का, जब आप बेस बना लेते हो ना अच्छे से पूरा फाउंडेशन का, तो ये कॉन्टूरिंग के लिए बहुत अच्छा शेड है, ऑल स्किन टाइप में काम आ जाता है ये दिखने में। और ये ब्राउन स्मोकी आइज़ हो गया, इस तरह से प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा है, इसका मतलब रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये मेरी सारी फाउंडेशन की रेंज है। और मैंने आपको बताया ना कि जैसा कि मैं ना फाउंडेशन जो है ना मिक्स एंड मैच करके बनाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की रेंज नहीं लगती है। जैसे मैक में ही मैंने NC20, NC40 और NC30 ये तीन शेड ले लिए, इसमें ही मेरे काफ़ी कुछ काम हो जाते हैं। फिर इसके बाद मेरे पास नार्स का एक फाउंडेशन है जो कि ऑल मतलब मोस्ट ऑफ द कॉमन जो स्किन टोन होती है ना उसके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। फिर मेरे पास नेक्स्ट का ये लिक्विड फाउंडेशन है, इसका भी जो कंसिस्टेंसी है ना ये भी बहुत अच्छा है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी टाइम से। तो ये मेरे सारे फाउंडेशन की रेंज। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये मेरे पास हुडा ब्यूटी का जो कॉन्टोर करने के लिए या वार्म टोन देने के लिए जो हमेशा यूज़ करते हैं ना, पूरा मेकअप बेस और पाउडर हो जाता है उसके लिए। ये लिपस्टिक की सारी रेंज हो गई, जो भी नेसेसरी लिपस्टिक के शेड हैं वो मैं यहाँ पर हमेशा रखती हूँ मेरे पास, और ये सब रनिंग शेड है। इतने मैजिकल शेड है ना, ब्राइडल को लगा दो ब्राइडल बहुत ही अच्छी दिखती है। ये मेरे पास कुछ मैक के लिपस्टिक के शेड हैं जो बहुत मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले शेड हैं, ये हमेशा अपनी वैनिटी में रखें। तो यहाँ पर मैंने सारी लिपस्टिक की रेंज रखी हुई है। अब यहाँ ये पूरा रेंज हो गया, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये पूरे पाउडर की रेंज है, ये मेकअप स्टूडियो का ट्रांसुलेट पाउडर है। मेकअप पूरा बेस होने के बाद लिक्विड वाले जो भी प्रोडक्ट है ना वो पूरे यूज़ करने के बाद ये मैं ट्रांसुलेट पाउडर बेकिंग करने के लिए यूज़ करती हूँ। फेयर स्किन के लिए ये यूज़ करती हूँ, अगर कोई मीडियम टू डार्क टोन का है तो ये मैं मैक का स्टूडियो फिक्स यूज़ करती हूँ जो कि बहुत अच्छा है। ड्राई ब्लशर में भी मेरे पास एक मैक का ब्लशर है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो भी है ना सब हाइलाइटर की रेंज है, तो जैसे मीडियम रेंज हो गई, ये तो ऐसे ऑल स्किन टाइप है, गोल्डन शेड है, बहुत अच्छा लगता है एज ए हाइलाइटर। फिर इसके बाद मेरे पास एक मेबिलिन का है, ये थोड़ा रोज़ गोल्ड टाइप है ये देखिए। और फिर इसके बाद मेरे पास टू फेस्ड का है, ये थोड़ा होलोग्राफिक शेड है जो कि थोड़ा पार्टी टाइप हो गया, या किसी ब्राइडल हो गई या साइडल हो गई ना, बहुत लाइट शेड पहना है, पेस्टल कलर के शेड पहने या बहुत फेयर स्किन टोन की ना, उनके ऊपर ये हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इस रेंज में, तो ये मेरे पास पोमेड है जो कि आईब्रो के लिए बहुत ही कॉमन बोलते हैं ना, किसी तरह के भी आईब्रो पे चले जाएंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा यही वाला आईब्रो सेट कर दो सबसे अच्छा। फिर इसके बाद मेरे पास एक लैक्मे का लाइनर है जो मैं फिनिशिंग वर्क के लिए यूज़ करती हूँ, इनग्लोट का लाइनर है जेल वाला, और ये मेरे पास इनग्लोट का ही डूरा लाइन है। डूरा लाइन बहुत यूज़फुल चीज़ है, आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए हर तरह की चीज़ों के लिए। और मेरे पास एक दूसरा पोमेड है जो कि है पैक का 3 नंबर, ये भी बहुत अच्छा है। वैसे ये मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हुई है, एक नज़र में मुझे मिल जाता है, वैनिटी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं बनाना है। और ये सारे ग्लिटर्स है, सारे ये ग्लिटर ग्लू है,
और ये सारे ग्लिटर सिल्वर हो गए, होलोग्राफिक शेड हो गए और गोल्ड, इस तरह के मैंने रखे हुए हैं। और ये कुछ इमरजेंसी किट हैं, जैसे क्यू टिप हमेशा रखना चाहिए, अगर आँख में कोई कचरा चल गया, मस्कारा लग गया या क्लाइंट के आँख में हमने लैशेज चिपकाया और ग्लू लग गया तो क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है, लिपस्टिक क्लीन करनी है इस तरह से। कुछ धागे सुई की रेंज रखनी है हमेशा से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ब्लाउज़ का टाका खुल गया, कोई सिलाई या बहुत घाघरा बहुत लूज है, इस तरह के भी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं लैशेस का, पूरा मैंने ये किट बनाया हुआ है, इसमें मैंने रखा है और ये आई लैशेस को कर्ल करने के लिए। फिर इसके बाद ये आता है मस्कारा लगाने के लिए, एक टूल है, अगर लगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी कैसे यूज़ करना है। और मेरे पास एक आई लैश ग्लू है और सीज़र भी ज़रूर से रखनी है, बिकॉज़ हमेशा मोस्ट ऑफ़ द केस में आई लैशेज जो होते हैं बड़े दिखते हैं, तो कटिंग करना या सिलाई विलाई भी कर रहे हो तो इसके लिए भी काम आता है काफ़ी कुछ। फिर इसके बाद मेरे पास एक बहुत मैजिकल प्रोडक्ट है, जो मैक का प्रेप एंड प्राइंग फ्री फिक्स, जो आप प्राइमर के लिए या मेकअप कर रहे हो ना, थोड़ा स्किन ड्राई है तो इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में यूज़ करोगे तो हाइड्रेट बहुत अच्छी हो जाती है स्किन। इसके बाद मेरे पास एक ब्रश को यूज़ करने के लिए, ब्रश आपने यूज़ किया, कोई भी आई शेडो लिया, अब क्लीन करना है, इसको ड्राई क्लीन कर दो, इमीडिएटली इसके अंदर से सारा प्रोडक्ट निकल के ब्रश ये क्लीन हो गया, तो ये भी बहुत मस्ट हैव प्रोडक्ट है, ये भी इसको इस तरह से यहाँ पर जमा कर रखना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि मैं अपनी वैनिटी किस तरह से पूरा अरेंज करती हूँ, थोड़ा सा ये पूरा इस तरह से मेरा पूरा सेटअप बनता है, ताकि ब्राइडल को जब मैं मेकअप करूँ या साइडल को मेकअप करूँ तो ये काफ़ी अच्छे से अरेंज हो पाए। और ये मेरे आई शेडो के पूरे पैलेट्स हैं, जिसको मैं, ये नेसेसरी नहीं है, ये आप अगर पास का शूट है आपका तो आप ये लेके जाओ, दूर के लिए मत, मैं सजेस्ट करूँगी मत लेके जाओ, जो ज़रूरी है ब्राइडल के लिए आपने पहले से ही बात किया है, उनको आपने ट्रायल के लिए बुलाया था, तो जो उनका मेकअप लुक है ना, इसी तरह से इसके अंदर जमा दो और बाकी सारे मत लेके जाओ, बिकॉज़ क्या होता है ना, ट्रैवलिंग में आई शेडो पैलेट्स टूट जाते हैं, तो ये मैं नेसेसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, इसको मैं स्किप कर देती हूँ, कभी कभी लेके भी जाती हूँ और नहीं भी लेके जाती हूँ, बट इतनी चीज़ें मैं हमेशा शूट पे अपने लेके जाती हूँ। और इसको यूज़ करने के बाद पूरा सामान भी बहुत अच्छे से इजीली अरेंज हो जाता है, आपकी वैनिटी पूरी की पूरी पैक करके इजीली पूरी पैक हो जाती है। और ये देखिए मेरा पूरा का पूरा सामान जो है ना, मैंने बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज़ किया, एक भी जगह छोड़ी नहीं है। सारा का सारा काम होने के बाद मैं इमीडिएटली ये पूरा पैकअप कर अच्छे से कर पाती हूँ, ये मेरा पूरा वैनिटी पैक हो गया। ये इस तरह से, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही यूजफुल के लिए आगे हमें अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।